स्वागत कर दिया अंकल। अभिनंदन सर, अधूरे ख्वाब देखना बंद करे राजद। नीतीश कुमार जी 2025 तक एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु कयास नहीं लगाया जाए। एनडीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर गया था, चंपारण गया था, सुपौल गया हूँ, बेगूसराय गया हूँ, आज यहाँ जा रहा हूँ। और आज ही हमारा अभी 12 बजे से ही भागलपुर में विजय कुमार सिंह जो जदयू के उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनके लिए बैठक रखी हुई। मैंने रास्ता बदल लिया, मैंने कहा चलिए मधेपुरा में एंट्री हो जाए। बिहार सरकार केंद्र के मंत्री के तौर पर तो मैं मधेपुरा में आया हूँ, लेकिन बिहार के मंत्री के तौर पर पहली बार मधेपुरा आया। जब मधेपुरा में अभी अध्यक्ष जी ने हमको किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं, मतलब जब बुलाएंगे तो अलग से आएंगे हम, लेकिन आने से पहले कुछ करके आना चाहते। मधेपुरा में उद्योग की संभावनाएं बहुत है, कैसे मधेपुरा में फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और अन्य उद्योग को भी लाया जाए। यहाँ पर रेल का तो उद्योग है, लेकिन अन्य उद्योग को भी बढ़ाना है। मधेपुरा को उद्योग और रोजगार में अग्रिम पंक्ति में ले जाना है, इसके लिए पूरी कोशिश होगी। बिहार में स्टेबल गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार जी 2025 तक एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु कयास नहीं लगाया जाए। उद्योग में हमने मधेपुरा जिले में युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अन्य योजना में हम लोगों ने हर जिले में करीब 600 से 700, 5 लाख का अनुदान, 5 लाख रुपया जीरो इंटरेस्ट पे लोन, और जो सामान्य वर्ग और स्वर्ण जातियाँ उनके लिए 1%, बाकी के लिए 0 इंटरेस्ट पे। ये हमने ट्रांसपेरेंसी से सेलेक्ट कर दिया है और ये सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग अब हो रही है। ये अगली बार जब आएंगे तो उद्यमियों का ऐसा हॉल कोई तलाशेंगे जहां 500 से 700 लोग आ जाएं और उद्यमी का सम्मेलन करेंगे आपके मधेपुरा में। हर जिले में ये उद्यमी हमने खड़े किए हैं, 500-700, जहां 2-3-4 भी नहीं होते। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जो 25 लाख का लोन मिलता है, उसमें मधेपुरा की स्थिति के बारे में हमने बातचीत की है, कम दिया है और ज़्यादा दिलाएंगे। हमने मधेपुरा, मेरी जन्मभूमि सुपौल और भागलपुर के बीच का पार्ट है, इसलिए सबसे बड़ा काम मैंने अपने जीवन में मधेपुरा जिले के लिए किया, जो NH 106 पे, NH 106 पे 37 किलोमीटर मिसिंग लिंक हो गया, टेंडर भी हो गया था इस तरफ से फुलौत से आगे, काम भी उसको हो रहा है, थोड़ी दिक्कत भी है लोगों को, लोगों ने बताया हमें, लेकिन जो बीहपुर से बीरपुर था, मैंने इस पे झगड़ा किया, लड़ाई किया, मनमोहन सिंह जी से तब मिला था और लोगों से मिला, लेकिन बाद में नितिन गडकरी जी ने ऐलान करके कि शाहनवाज जी ने कहा हमने इसको करना है, तो वो काम शुरू हो गया है। 4 लेन का पुल है, 2 लेन रोड है, बड़ा विजन। वो मधेपुरा और
भागलपुर को एकदम नजदीक कर दे। ऐसे तो जो विजय घाट पुल है वो भी हमने बहुत प्रयास किया था, हमें सांसद बनते ही पहला बड़ा काम उस वक्त एनडीए की सरकार से हमने कराया था, आज मैं उसी रोड होकर जाऊंगा, उसको भी करने जा रहे हैं। खादी में, हैंडलूम में भी यहाँ बढ़ावा देंगे, एमएसएमई में भी आगे लेकर जाएंगे। इस इलाके में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कांग्रेस और राजद की हुकूमत में मधेपुरा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको अगड़ा जिला बना दिया है, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बना है, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। अभी तो नूतन जी को जिताने की अपील करते हैं, सब लोगों से हमने कहा है सरकार तो हमारी है, मजबूत सरकार है, और राजद के लोग हर सेशन से पहले मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, सारे सपने अधूरे रहेंगे उन लोगों के